नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गोल्डमैन सैच के अधिकारियों ने अमेरिका में मंदी के खतरे को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों और उपभोक्ताओं को अमेरिका में मंदी की आहट को लेकर सचेत होने की जरूरत है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिका में मंदी का खतरा और रिस्क बहुत ज्यादा है। कंपनी की आर्थिक टीम भी इसमें सहमत दिखती है। आर्थिक टीम का अनुमान है कि मंदी का खतरा बढ़ रहा है। गोल्डमैन टीम को अब अगले वर्ष में मंदी में प्रवेश करने की 30% संभावना दिखाई दे रही है, जो कि पहले 15% थी। जॉन हैरिटेज के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों ने जानकारी दी है कि अब मंदी के जोखिम को उच्च और अधिक फ्रंट लोड के रूप में सामने आ रहा है। इसके मुख्य कारण ये है कि आधारभूत विकास पथ अब कम है और फेड उच्च हेडलाइन मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को मजबूती से जवाब देने के लिए मजबूर और महसूस करेगा, यदि ऊर्जा की कीमतें आगे बढ़ती है तो। भले ही गतिविधि तेजी से धीमी हो, बताते चले कि यूएस फेडरल रिजर्व ने पिछले सप्ताह अपने मौद्रिक कसने के अभियान को तेज कर दिया था। 1994 के बाद से सबसे बड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी को अंजाम दिया गया। गोल्डमैन अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि गर्म वेतन वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीदें आज पहले की तरह कम हो गया है। चलिए अब जान लेते हैं कि मंदी कैसे दिख सकती है। दरअसल सोने के लिए कोई बड़ा असंतुलन नहीं होने के कारण मध्यम अति वृद्धि के कारण होने वाली मंदी सबसे अधिक उथली होगी। गोल्डमैन अर्थशास्त्रियों ने ये भी कहा है कि इस बार एक अतिरिक्त चिंता ये भी है कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया सामान्य से अधिक सीमित हो सकती है। यहाँ आप ये भी जान लें कि अर्थशास्त्रियों ने 2.8 की अपनी दूसरी तिमाही के विकास पूर्वानुमानों को बनाए रखा। उन्होंने इस वर्ष की तीसरी तिमाही से 2023 की पहली तिमाही तक अपने दृष्टिकोण में कटौती की और कहा कि 1.75%, 0.75% और 1% की वृद्धि का अनुमान अब लगाया जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन।